बच्चा घर पर पढ़ता ही नहीं है, बच्चा माँ की बात मानता ही नहीं है, और ऊपर से आपने उसे 1,95,000 की बुलेट बाइक दे रखी है, 40,000 का स्मार्टफोन दे रखा है, सारे भौतिक सुख साधनों से उसे लैस कर दिया है, तो फिर बच्चा क्यों पढ़ेगा, किस लिए पढ़ेगा, जब उसे बिना पढ़े बिना कुछ किए बने सारे साधन उपलब्ध है। सरकार के ट्रैफिक रूल का कुछ पता है आपको कि नहीं? नाबालिग को बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपया फाइन या पिता को 3 महीने कारावास की सजा होगी। आइए आइए बैठिए। मैं सोनू का पिता हूँ, स्कूल से कॉल आया था। अच्छा, तो आप सोनू के पिता हैं। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले छात्र को आपने इतनी महंगी स्मार्टफोन दे रखी है, जबकि स्कूल में कोई स्मार्टफोन लाना अलाउड नहीं है। सर उसे प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने में असुविधा हो रही थी, मैंने तो फोन उसे पढ़ाई करने के लिए दिया था। पर आपका बच्चा तो कुछ और ही पढ़ रहा है, कभी टिकटॉक पर वीडियो डालता है, तो कभी लाइकी पर, कभी देर रात तक व्हाट्सएप पर बिजी रहता है, तो कभी यूट्यूब पर। आज तो उसने हद ही कर दी। जानते हैं क्या किया है उसने? क्लास में सेल्फी लिया है, सेल्फी का जुनून है उसे, पढ़ाई का नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अब मैं उसे स्मार्टफोन नहीं दूंगा, पढ़ाई संबंधित कोई जरूरत है तो मेरे मौजूदगी में मेरा फोन उपयोग कर लेगा, या 10-20 रुपए देकर मैं उसे साइबर कैफे पर भेज दूंगा, पर मैं उसे स्मार्टफोन नहीं दूंगा। मुझे माफ कीजिए सर, मैं अब से अपने जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करूंगा, अपने बच्चे को अभी क्या कभी भी स्मार्टफोन और बाइक नहीं दूंगा, जब वो पढ़ लिख कर उस योग्य होगा तभी वो खुद की कमाई से लेगा। नमस्कार सर। मोबाइल तुझे क्यों बनाया, तूने क्या कर दिया, तुझे दिलों को जोड़ने के लिए बनाया था लेकिन तूने दिलों को तोड़ कर रख दिया। अब ना ही बाहर की बात होती है, ना ही अपने घर की, अब ना ही हमें अपने गली की खबर है, ना ही शहर की। ग्रुप तो बहुत बड़ा कर दिया है तूने, परिवार छोटा छोड़ दिया। मोबाइल तुझे किस लिए बनाया था, तूने क्या करके छोड़ दिया। माँ बाप मोबाइल लैपटॉप देते हैं बच्चों को अपनी जिंदगी संवारने को, हम उनका मिसयूज करने लगते हैं अपना भविष्य बिगाड़ने को। पर सारा दोष मोबाइल फोन्स को ही देना गलत होगा, दोष तो हमारा भी है, क्योंकि हर वस्तु के उपयोग में दो पहलू होते हैं। अगर उस वस्तु का उपयोग सही और मानवीय तरीकों से किया जाए तो वह वस्तु हमारे मानवता के लिए एक हमारी मानवता के लिए वरदान साबित होता है, और अगर उस वस्तु का प्रयोग गलत और अमानवीय तरीकों से किया जाए तो वह वस्तु हमारी मानवता के लिए अभिशाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए आज जरूरत है हमें संसाधनों के साथ सदुपयोग करने की। धन्यवाद।